हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लगातार उदाहरण आपके सामने मिल रहे हैं कि जो जो हथियार तालिबान की मार्फत या तो बिक रहे हैं या बट रहे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो उपयोग में भारत के जवानों के खिलाफ, भारत के क्षेत्रफल में आकर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में तालिबान से आप ना केवल बातचीत की पहल करना, अपने बजट में 200 करोड़ आवंटित करना, क्या ये सही है, क्या ये उचित है? ये सवाल विपक्ष की हैसियत से हम पूछना चाहते हैं। जवाब दीजिए कि आप तालिबान के सामने क्या यह मुद्दा उठाते हैं कि साहब ये जो कवच भेदी गोलियां हैं या अन्य हथियार हैं जो वहां से आ रहे हैं, सरेआम आते हुए दिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि कैसे यह हथियार वहां से निकलकर आ रहे हैं और अलग अलग आतंकी समूहों के हाथों में जा रहे हैं, ऐसे में हमारे जवानों की सुरक्षा, हमारे देश में जो टारगेटेड किलिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सवाल बहुत प्रासंगिक है कि क्या आपने जो विदेश नीति में परिवर्तन किया है, क्या इसका यह सही समय है, या इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, जो दायरा है इस संबंध के, जो आपने पहल की है, क्या वो दायरा ठीक है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।